अस्सलाम वालेकुम यू गाइस एंड जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सो आज हम देख रहे हैं ये स्टनिंग जोड़ा। दिस इज़ फ्रॉम क्रिम्सन लग्जरी लॉन, क्रिम्सन सायरा शाकरा की जो अभी आई है, ठीक है, 2023 का। सो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, यू गाइस नो हमने अभी देखना है कि जी सनलाइट में इसका क्या कलर है। सो लेट मी फाइंड दैट वीडियो। अच्छा जी, सो ये एक्चुअल गाइस इसका कलर है। इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेश लाइट डी पिंकिश सॉर्ट ऑफ अ कलर। मतलब जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल यही कलर है। अब मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज यू गाइस नो पिंक के भी 50 मिलियन शेड्स होते हैं, सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। आई लव हाउ इसके ऊपर दे हैव मतलब डन शेड्स ऑफ मिंट एंड लैवेंडर और लाइटर पिंक्स। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल आउटफिट। आई थिंक अगर आपने इस पूरी कलेक्शन में से कोई एक आउटफिट लेना है, आई वुड से ये वाला ख़रीदें। इट्स ब्यूटिफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हम देखेंगे दुपट्टा, ठीक है जी। आपका इस ये इन्होंने कॉटन नेट का दुपट्टा है, जिसके ऊपर ये डायमोंडीज हैव बीन स्टक ऑन, ये ग्लू से लगे हुए हैं, ठीक है। सो और ये जी आपका मेन पार्ट है ऑफ द दुपट्टा। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो के डायमोंडीज यहाँ तक हैं, बाकी वो एरिया जो है कॉटन नेट का, दैट इज़ एम्प्टी, बिकॉज वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन, उसके ऊपर आपका बॉर्डर आ जाना है, सो वो तो यूज़ नहीं होना। ये उन्होंने जी आपको दिए हैं एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू, सो इफ़ यू सी नाउ, ठीक है, ये जितना उन्होंने डायमोंडीज का एरिया दिया है ना, ये पल्लू उतने ही हैं, ठीक है। और बाकी उन्होंने फुल ब्यूटिफुल ये ऑर्गेंजा के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड दो पल्लूज़ हैं, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है, ये इस तरह आपका जो दुपट्टा है ऊपर डायमोंडीज वाले पोर्शन का हो जाता है। उसके बाद ये जी आपकी एम्ब्रॉयडरी है फॉर द लेंथ्स ऑफ द दुपट्टा, ठीक है जी। दोनों जो लंबाइयां हैं उसके लिए उन्होंने एम्ब्रॉयडरी दी है, क्योंकि पल्लू इज़ सेपरेट, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी आपकी है ना कॉटन नेट, उसके ऊपर ये पल्लू आएंगे, इसलिए उसके ऊपर देयर आर नो डायमोंडीज। आई होप अब इससे हमें दुपट्टा समझ आ गया हो, ठीक है। इट्स अ ब्यूटिफुल दुपट्टा यू गाइज, आई रियली लव इट। ये बहुत मेरा फेवरेट आउटफिट है, ठीक है जी। वी आर डन विद द दुपट्टा, नाउ मूविंग ऑन, नाउ लेट्स गेट टू द शर्ट। अच्छा, सो आई थिंक ये मेरा इसलिए भी बहुत फेवरेट आउटफिट है, बिकॉज इसके ऊपर जो है ना, आई थिंक आई कैन गेट अवे विदाउट वेयरिंग अ स्लिप, बिकॉज वरना हमेशा स्लिप पहननी पड़ जाती है, दैट इज़ सो अनोइंग। तो ये जी उन्होंने आप देखें गला ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके पीछे अगर आप लॉन लगवा लेंगे ना गले के पीछे, तो आपको फिर स्लिप नहीं पहननी पड़ेगी, तो ये कराइएगा, ठीक है जी। और प्लीट्स ऑलरेडी डन है, लेसेस ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तो जो आपका सेंटर पैनल है फ्रंट का, दैट्स बिन डन बाय द ब्रांड, आपको या आपके टेलर ने उसको नहीं करना। ऑब्वियसली बाकी पैचेस तो आपने लगाने हैं, लेकिन ये पार्ट उन्होंने करके दिया है, जिसका जी बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने कर दिया है। ये जी दामन का उन्होंने कटवर्क एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेंजा के साथ जो कटवर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी तो ऑब्वियसली लॉन पे है, बट दिस इज साथ पूरा कटवर्क हुआ हुआ है, ब्यूटिफुली डन लेज़र कटवर्क जो होता है ना, ठीक है जी। ये अच्छा, नाउ उन्होंने लिखा हुआ है देयर टू एम्ब्रॉयडर्ड साइड पैनल्स, ये आपके साइड पैनल्स हैं, ठीक है। ये ऑर्गेंजा की दो एम्ब्रॉयड्रीज हैं जिनके ऊपर सीक्वेंस भी हैं, एंड दीज आर फॉर द साइड्स। आई वुड से इफ़ पॉसिबल इनको ऊपर ही लगवा ले लॉन के, वरना अगर साइड पे लगवाएंगे तो आपको स्लिप पहननी पड़ेगी फिर, तो बेहतर है लॉन का अगर कपड़ा आपका इस तरह लग जाता है तो लगवा लें। ये जी आपके स्लीव्स का बॉर्डर है, एंड ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, दिस इज़ योर स्लीव्स बॉर्डर। ये यहाँ पे बड़ा वाला बॉर्डर जो है स्लीव्स पे लगा हुआ है, और ये आपकी इसके ऊपर थोड़े से सीक्वेंस वगैरह भी हैं, ये एम्ब्रॉयडरी का उन्होंने पैच दिया है फॉर द शर्ट बैक, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे मर्ज़ी इसको आगे लगाने हैं, मतलब ऊपर लगाने हैं, नीचे लगाने हैं, जहाँ भी लगाने हैं शर्ट पे, दिस इज़ फॉर द बैक। और ये आपका उन्होंने प्लेन कपड़ा दिया है फॉर द शर्ट बैक। मैंने फिर आई पुट माई हैंड अंडरनीथ इट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो के कपड़ा जो है, ठीक है, कितना सी थ्रू है, क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली सब जानना चाह रहे होते हैं जी, आप बताएं सी थ्रू है, कितना सी थ्रू है, क्या है। और ये जी उन्होंने
एम्ब्रॉयडरी दी है, ये पैच है, ये होगा आपके ट्राउज़र पे लगेगा। और इसके साथ जी यू गाइस ये ड्रेस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट इट्स अदर कलर, तो मैंने कल वीडियो लगाई है, ठीक है, जिसमें क्रिमसन के बहुत सारे आउटफिट हैं, तो उसके अंदर आई शोड द कलर कि कलर क्या है इसका जो सेकेंड आउटफिट है उसका। उसकी ऑब्वियसली डिटेल वीडियो मैंने नहीं बनाई और मैं बना भी नहीं सकती, बट इससे फिर आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि आपके आउटफिट में क्या क्या होगा, ठीक है। सो इफ़ यू उस वीडियो में जाके यू गाइस कैन चेक द कलर कैसा कलर होगा, और फिर इसको आप देख लेना, आपको इससे समझ आ जाएगी अच्छा आपके आउटफिट के साथ ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये होंगी और इस तरह लगेंगी, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेक आउट एवरी सिंगल कलर देयर इज़। और माशाल्लाह यू गाइस इस कलेक्शन के ऑलमोस्ट 6-7 आउटफिट्स ऑलरेडी, प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोज़ उन सब की अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल में। आप मेरी प्लेलिस्ट, अगर क्रिमसन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको चेक करेंगे तो वो सारी वीडियोस आ जाएंगी, उसमें जाके आप देखें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द आउटफिट्स, आई कंपेयर द कलर्स इन एवरीथिंग मेरे, इफ़ यू गो चेक माय इंस्टाग्राम, यही मेरा इंस्टाग्राम है, शॉपिंग ब्लॉगर जर्नल के नाम से यही नाम है। तो उसके अंदर ना मैंने एक लाइव किया था, उसमें मेरे पास ये सारे आउटफिट्स थे, तो मैंने इनके एक दूसरे के साथ कलर्स कंपेयर किए थे, जिससे ताकि आपको समझ आ जाए कि आउटफिट्स के मतलब ये ऐसा पिंक है, ये पीच है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, बिकॉज ऑब्वियसली इन अ वे ये सारे या पिंक हैं या ब्लू हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है बंदे को कि ये लें ये ना लें या क्या लें। सो प्लीज़ उसको भी जाके आप देख सकते हैं, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और एन पे भी मैं वीडियोज़ लगा रही हूँ, उनको भी जाके देखें। And I hope you guys enjoyed this video. अच्छा, about the length, length भी आपकी अच्छी आराम से इसकी 52-53 आपने बनानी है, आपकी बन जाएगी। Sorry, I forgot to mention that earlier. ठीक है जी, और that is about it. And पे भी मैं वीडियोज़ लगा रही हूँ, उन्हें भी प्लीज़ चेक करिएगा, और इंशाल्लाह I will see you guys in the next video.